एक गांव में भालू महतो नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा भी था जिसका नाम रघु था। लेकिन जब रघु सिर्फ 10 साल का था तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो भालू महतो ने दूसरी शादी कर ली। इससे रघु के बुरे दिन आ गए। वो पहले चैन से पूरे गांव में गुल्ली डंडा खेला करता था, लेकिन अब उसकी सौतेली माँ पन्ना उस पर बहुत जुल्म ढाती थी। पन्ना बहुत सुंदर थी और इस बात पर उसे गर्व भी था। वो कोई भी भारी काम ना करती, रघु ही बैलों को खाना डालता, झूठे बर्तन मांजता और घर के दूसरे काम करता। लेकिन फिर भी पन्ना हमेशा उसको ताना ही मारा करती थी। यहां तक कि पन्ना ने भालू को भी रघु के विरुद्ध भड़का दिया और अब भालू को रघु में हमेशा बुराई ही दिखती थी। ऐसा ही चलता रहा और 8 साल बीत गए और एक दिन भालू की भी मृत्यु हो गई। इन 8 सालों में पन्ना के 3 बेटे और एक बेटी हो गई थी। पन्ना ने सोचा कि अब घर का खर्च ज्यादा है और कमाने वाला कोई भी नहीं। उसे पता था कि उसने रघु को जिंदगी भर ताने ही दिए हैं, तो वो भी क्यों मदद करे। शादी करके अपनी पत्नी ले आएगा जो घर में और आग लगाएगी। लेकिन रघु दिल का बहुत अच्छा था। उसने पन्ना के बच्चों को खिलाया भी, ध्यान भी रखा और पैसे भी कमाकर घर लाया। यहां तक कि उसने गाय खरीदने के लिए अपने गले की चैन भी बेच दी ताकि बच्चे दूध पी सकें। इससे पन्ना को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और अब वो भी घर के काम में उसका हाथ बटाने लगी। ऐसे ही 5 साल निकल गए और अब रघु 23 साल का हो गया था। तो एक दिन पन्ना ने कहा कि अब तेरी उम्र हो गई है तो तू शादी कर ले। रघु ने गांव के दूसरे परिवारों में देखा था कि पत्नी लाने से घर में कितनी लड़ाई हो जाती है, घर अलग हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। इसलिए रघु ने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन जब पन्ना ने जिद की तो रघु शादी करने के लिए तैयार हो गया। अब रघु शादी करके पत्नी घर ले आया। उसकी पत्नी का नाम मुलिया था और वो पूरे गांव में सबसे सुंदर थी। जैसे ही मुलिया मायके से आई, उसने देखा कि मेरा पति तो सारा दिन मेहनत करके खेतों में काम करके पैसे कमा के लाता है और ये पन्ना रानी बनकर घर में बैठी रहती है। इसके तीनों बेटे भी रईस ज्यादे बने घूमते फिरते रहते हैं। तो मुलिया ने रघु से कहा कि वो सारे पैसे कमा कर उसे दे। रघु ने मुलिया से कहा कि अगर सारे पैसे कमा के तुझे दूंगा तो सब गांव वाले क्या कहेंगे। मुलिया बोली, मुझे गांव वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सारे पैसे मुझे दो। एक शाम पन्ना खेत में काम करके घर लौटी। अंधेरा हो गया था। उसने देखा कि घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। पन्ना ने मुलिया से आहिस्ते से पूछा, आज भी चूल्हा नहीं चला। मुलिया कुछ ना बोली। पन्ना के बड़े बेटे केदार ने कहा, भाभी ने आज भी कुछ नहीं बनाया। पन्ना खेत से थक कर आई थी और अब बच्चों के लिए खाना बनाने लगी और सोचने लगी कि क्या नसीब पाया है उसने। केदार अब 14 साल का हो गया था और भाभी के रंग ढंग देख कर सारी स्थिति समझ रहा था। वो अपनी माँ से बोला कि शायद अब भाभी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम उसे छोड़ दो और हमारे साथ नहीं रहना तो ना रहे, हमारा भी भगवान है। इस पर पन्ना बोली कि तू रघु से कुछ मत कहना, उसने बड़े भाई की तरह नहीं बाप की तरह पाला है तुम्हें। दशहरा का त्योहार आया। गांव के पास ही एक मेला लगा था। गांव के सभी लड़के मेला देखने जा रहे थे। पन्ना भी अपने लड़कों के साथ मेला देखने जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन पैसे नहीं थे। रघु ने मुलिया से कहा कि सभी लड़कों को दो दो आने दे दे। मुलिया ने पैसे देने से मना कर दिया और इस बात पर रघु और मुलिया के बीच लड़ाई हो गई। ये सब देखकर पन्ना बोली कि पैसे रहने दो, कोई बात नहीं, लड़के मेला देखने नहीं जाएंगे। रघु ने चिढ़कर कहा, मेला देखने क्यों ना जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, बस हमारे ही लड़के ना जाएंगे क्या। ऐसा कहकर रघु ने खुद ही पैसे उठाकर लड़कों को दे दिए। मुलिया ने बचे हुए सारे पैसे आंगन में फेंक दिए और कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। लड़के मेला देखने नहीं गए। मुलिया ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया और रघु से बोली, या तो वो उसे वापस उसके घर छोड़ आए या फिर इस घर का बंटवारा करवा ले। रघु को जिस बात का डर था वही हो रहा था। उसने इस घर के बंटवारे का कभी सपने में भी ना सोचा था। पहले तो रघु ने मना कर दिया और पन्ना भी कुछ ना बोली। लेकिन जब मुलिया घर में रोज रोज लड़ाई करने लगी तो एक दिन पन्ना ने रघु की खातिर ये कह ही दिया कि जब तुम्हारी पत्नी अलग होना चाहती है तो हो जाए।
कोई और रास्ता ना देखकर रघु ने मुलिया से कह ही दिया कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी वैसे रहे। अब घर में दो चूल्हे जलने लगे थे। एक दिन पन्ना ने अपने लड़कों को खाना खाने के लिए बुलाया। केदार बोला, रघु भैया को भी बुला लेता हूँ। लेकिन पन्ना ने मना कर दिया। बोली, अगर रघु को बुलाया तो मुलिया फिर लड़ेगी उसके साथ। केदार बोला, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? केदार को ऐसा कहते हुए मुलिया ने सुन लिया। वो बाहर आकर चिल्लाकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, तुम आकर डांट दो। केदार चुप हो गया और फिर कुछ ना बोला। 5 साल गुजर गए। रघु अब दो लड़कों का बाप था। घर के आंगन में दीवार बन गई थी। खेत और बैल भी बांट लिए गए थे। केदार की उम्र अब 16 साल हो गई थी। अब उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेतों में काम करने लगा था। रघु की उम्र अभी 30 साल से ज्यादा न थी, लेकिन काम कर करके वो बूढ़ा सा लगने लगा था। बाल पक गए थे, कमर झुक गई थी और खांसी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और फिर एक दिन रघु का भी स्वर्गवास हो गया और मुलिया की जिंदगी अंधकार में डूब गई। 5 साल और बीत गए। मुलिया बच्चों को भी संभालती थी और खेतों में भी उसी को काम करना पड़ रहा था। खेतों में पानी देना किसी एक आदमी का काम नहीं था, इसलिए फसल भी अच्छी पैदा नहीं हो रही थी। एक दिन वह खेतों में काम कर रही थी। बच्चे भी वहीं पेड़ की छांव में बैठे थे कि तभी रोने लगे। पन्ना ने सुना तो चुप करने आ गई। केदार ने भी मुलिया के खेत में काम करके उसका हाथ बटाया। 5 साल और बीत गए। पन्ना अब बूढ़ी हो चली थी और केदार घर का मालिक था। केदार के दोनों छोटे भाइयों की शादी हो गई थी, लेकिन केदार ने शादी ना की। पन्ना ने पूछा कि कब तक शादी करेगा, तो बोला, अगर मैंने भी शादी कर ली तो रघु भैया जैसा हाल ही ना हो जाए। लेकिन पन्ना को पता था कि उसे मुलिया पसंद है। मुलिया अभी भी जवान थी और रंग रूप भी अच्छा था। पन्ना केदार से बोली, मुलिया भाभी ही तो है तेरी, तू कहे तो मैं अभी उससे बात कर लूं तेरी शादी की। केदार बोला, जैसा तुझे ठीक लगे। पन्ना को भी पता था कि वो केदार को कैसे देखती रहती है, इसलिए वो मुलिया से बात करने चली गई। पन्ना ने ये बात मुलिया को बताई तो मुलिया बोली, मेरी जैसी बुढ़िया से क्यों शादी करने लगा वो। पन्ना बोली कि वो तो तुझे पे दांत लगाए बैठा रहता है, तेरे सिवा उसे कोई पसंद ही नहीं आती। ये सुनकर मुलिया बहुत खुश हुई और काफी समय के बाद खुल के मुस्कुराई। 10 वर्षों से उसने जो कुछ खोया था वह उसे एक ही क्षण में मिल गया था, वो भी ब्यास के साथ।